हेलो गाइस, वेलकम टू YRM फिटनेस। सो मैं आजराम मीना आज आपको बताऊंगा पोस्ट रनिंग वर्कआउट के बारे में, जो आप अपना रनिंग कंप्लीट होने के बाद में कर सकते हो। बेसिकली जब आप लॉन्ग रन करते हो 5K 10K और मच मोर देन दैट, तो आपकी मसल्स टाइट हो जाती है, तो उनको अच्छे से रिकवरी देने के लिए मैं आपको कुछ वर्कआउट बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज। ये आपकी अपर बॉडी को स्ट्रेच करेगा। आपको सिंपली अपने हाथों को स्प्रेड करके ऊपर लाना है एंड ब्रीथ इन करना है और अराउंड 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और नीचे लाते टाइम आपको ब्रीद आउट करना है। ये क्वाड स्ट्रेच है, ये आपके जांघ का जो फ्रंट का पार्ट है उसको स्ट्रेच करेगा। आपको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और सेम अनदर लेग के साथ में रिपीट करना है। ये है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, जो आपके जांघ का जो पीछे का पार्ट है उसको स्ट्रेच करेगा। आपको एक लेग सीधी रखनी है, दूसरी लेग को बेंड करके रखना है और अराउंड 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और सेम अदर लेग के साथ में भी रिपीट करना है। ये है काफ राइज। तो रनिंग में आपके काफ बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो इसको स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। तो अराउंड आपको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। स्ट्रेच है अपना ग्रोइन स्ट्रेच, जो आपकी इनर थाई को स्ट्रेच करेगा। आपको सूमो स्क्वाट पोजीशन में आपको बैठना है और होल्ड करके रखना है अराउंड 10 सेकंड तक। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन आई पुट नेक्स्ट वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।